बीमा असाव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोग को सबका नमस्कार दिखाई। आज हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बीमा असाव की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। इसका उद्देश्य है कि ये जानवर को शिकार करने के ऊपर में हम लोग आज थोड़ा बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में बीमा असाव डिस्ट्रिक्ट में ये जंगली जानवर के ऊपर में ये शिकारी बहुत हो रहा है। आजकल ये एयर गन बोलो, फान बोलो, तरह तरह की ये हथियार यूज करके इस्तेमाल करके ये बहुत हंटिंग ये जो है शिकारी हो रहा है। तो हम लोग की तरफ से आज हम बोलना चाहता है कि ये सब जंगली जानवर का शिकारी ये सब बंद करना चाहिए, नहीं तो हम लोग का किसी शिकारी को पकड़ में आ गया तो हम लोग का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक सेक्शन 9 के इस मुताबिक उसका कम से कम 3 साल का जेल होगा और 25,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा उसको। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 2019 में हम लोग का यहाँ पे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में एक अल्बिनो डियर निकला था, तो उसका उसको मार दिया था। तो जो आदमी उसको मार दिया था अभी तक वो 6 महीने तक वो जेल में रहा और अभी तक उसका अभी कोर्ट में उसका केस चल रहा है। तो मैं आप दिमाग साहु का वासियों को सबको अनुरोध करता हूं कि ये सब जंगली जानवर का शिकारी ये बंद करने के लिए। और अभी ये अल्बिनो डियर के बारे में भी हम लोग कुछ बताना चाहता हूँ, मेरा DFO प्रवीण लंकासा थोड़ा वो बता दें। रिसेंटली हम लोगों को यहाँ पे अल्बिनो डियर सेटिंग हुआ है इजिंग हडिंग में, जो जस्ट ऑपोजिट टू हाफलोंग। इसमें जो इतना नियर में इतना आस पास में होके अल्बिनो डियर का सेटिंग जो हुआ है, वो जिसका बारे में जिस बहुत देखने का टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ेगा उससे, और प्लस इस सब चीज़ को सारा प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। और सब वहाँ का नियर बाई जितना गांव वाला लोग है, जो आसपास जितना गांव वाला लोगों को, वो सबको रिक्वेस्ट भी करता है कि आप लोग उसको मत मारिए और कोई भी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम मत कीजिए, सो देट उनका वाइल्ड लाइफ रिलेटेड वाइल्ड लाइफ जितना फल फूल सके और भी अच्छा है, और हम लोग उनको एक वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन बना सके ये डिस्ट्रिक्ट को, हम लोग की तरफ से ये अनुरोध किया जाता है। नहीं, रिसेंटली भी सुनने में आया ये 1-2 जगह में और है बोल के सुना है इन अल्बिनो डियर का। तो अभी तक अभी साइटिंग एक ही जगह में डायरेक्टली प्रूफ एक अभी है, पहले भी तो इसी साइड में लिखा था जो उसको मार दिया था। हाँ, आगे भी इसी साइड में था, उस साइड में आफरों के आसपास भी दिखा गया था। टाइम टू टाइम हम लोग अवेयरनेस नहीं करता, नहीं करता है हम लोग, वाइल्ड लाइफ वीक का टाइम में हम लोग अवेयरनेस कैंपेन करता है। अच्छा, यहाँ पे और एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो रिसेंटली जो ये हम लोग का हाफलोंग टाउन का आसपास से ये अल्बिनो डियर निकला था, इसके बारे में हम लोग का CM साहब बहुत ये सीरियसली लेके कल हम लोग को ये जो गांव जो निकला था उसका आसपास का जितना गांव बुरा को बुलाया, कल हम लोग मीटिंग किया था, तो सब CM सर की तरफ से सब गांव बुरा लोग को भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ये अल्बिनो डियर जो भी है जैसा भी है प्रोटेक्शन देना चाहिए। और वहां पे हम लोग को गांव वाला लोग से पता चला कि ये शिकारी करने वाला वो बाहर से आता है, बाहर से मतलब ये आसपास का गांव से आता है, वो लोग का गांव से तो नहीं है लेकिन आसपास का गांव से आता है। जैसा कि यहाँ पे बहुत गांव है, सोंपीजांग, मोलहोय, फोंसाई वेंग, जिब्रो, मनासा, जोई बथारी, ये बहुत सारा गांव है कि आसपास ये हाफलोंग टाउन का आसपास वहाँ से आदमी आके शिकारी करता है। तो ये सब गांव वालों से भी हम लोग का आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अनुरोध है कि ये सब हंटिंग का काम, शिकारी का काम आप लोग छोड़ दीजिए, बिकॉज कल परसों आप लोग पकड़ में आ जाएगा तो आप लोग को जेल में भेज देगा, आप लोग के ऊपर में फाइन भी लगा देगा। ऐसे आप डिपार्टमेंट की ओर से कुछ इनिशिएटिव लेता है तो पेट्रोलिंग वगैरह जैसे करता है
जंगल में गांव गांव में जहां में ऐसे तैयार जानवर मिलता है वैसे पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग अभी ये हम लोग ये अल्बिनो डियर के लिए अभी स्पेशल स्क्वाड हम लोग फॉर्म करेगा। वो लोग पेट्रोलिंग जाएगा दिन में भी रात में भी, वो लोग जाके ये अल्बिनो डियर के लिए स्पेशली हम लोग स्क्वाड एक बनाएगा। अभी अल्बिनो डियर कितना है डिमांड, एक ही आप लोग देखा ना और भी कुछ होने का? और भी हो सकता है, लेकिन हम लोग साइटिंग हुआ है, डायरेक्ट साइटिंग सिर्फ एक का हुआ है। बिकॉज 2019 में भी एक कभी साइटिंग हुआ था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो किसी ने उसको मार दिया था, और वो जो मारने वाला आदमी को 3 महीने तक जेल में रहा था, और अभी वो बाहर में है, लेकिन उसका केस अभी तक चल रहा है। और हो सकता है दिमाग साउथ डिस्ट्रिक्ट में भी और दूसरा जगह में भी ये भी हो सकता है, लेकिन अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, साइटिंग नहीं हुआ, लेकिन हम लोग का ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता है और भी होगा। सारा गाँव वाला उनको कि मतलब एक्सेसिव यूजेस ऑफ पावर सो चेन मशीन ना, उसको मतलब जहाँ वो चीज़ है यूज नहीं करने से अच्छा है। और इसको हम लोग अभी ज़्यादा यूज करने से हम लोग का नाम में ये इलीगल है, और टाइम टू टाइम जगह हम लोग पेट्रोलिंग करके हम लोग उसको पकड़ना भी है और पकड़ेगा भी हम लोग ये पावर सो चेन मशीन को। तो और एक चीज़ है, वो और एक चीज़ बात बोलना चाहता है रिगार्डिंग ये एयर गन्स के ऊपर में, एयर गन में जो जितना अनऑथोराइज मतलब जितना लेके मतलब इसका कोई लाइसेंस नहीं लगता, बर्ड्स का बहुत ज्यादा किलिंग हो रहा है अभी मैडम से। बिकॉज यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रिक्ट में बहुत आदमी के पास एयरगन आ गया, और ये लोग जाके जंगल में जाके बहुत चिड़िया मारता है, सब चिड़िया खत्म करने वाला है ये लोग। तो मैं ये एयरगन यूज करने वाला लोग को भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग को ये एयरगन में जाके जंगल में जाके ये सब चिड़िया मारना ये सब आप लोग छोड़ दीजिए, नहीं तो हम लोग का पकड़ में आप लोग को आ जाएगा तो ये आप लोग जेल में भेजना पड़ेगा। देखा है जो जो एयरगन यूजर है वो लोग कोई बाइनोकुलर ऐसे लगा के भी हंटिंग करता है जंगल में, ठीक है, वैसे आप एयरगन लाइसेंस नहीं लगता वो अलग है, अगर आप लोग और से कुछ जो एयरगन यूजर है उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन वैसे लेगा नहीं? नहीं, हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट पुलिस को हम एक रिक्वेस्ट लेटर एक लिखेगा जो अभी लेके एयरगन लेके अभी बाहर घूमना होना के लिए पुलिस की तरफ से वैसे भी ये घूमने के लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करने के लिए भी हम अभी एसपी को भी एक लेटर इशू करके हम रिक्वेस्ट करेंगे उसके लिए। जो यूज करते उसमें कोई रजिस्ट्रेशन का कोई लाइसेंस नहीं लगता? चेनसो के बारे में कुछ ऐसा कुछ रूल नहीं है कि वो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए लाइसेंस होना चाहिए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी हम लोग काउंसिल की तरफ से हम लोग लेके आ रहा है, हम अभी नहीं बोल सकता है, हम लोग कुछ रूल लेके आएगा। और ये बिकॉज हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में जितना ये पावर चेन शो आ रहा है जिस रेट में आ रहा है ऐसा होने से हम लोग का जंगल हम लोग बचा नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए आप लोग टिम्बर बंद कर दिए ना, लेकिन ह्यूज नंबर्स ऑफ कटिंग डेली हो रहा है। इवन आपको पता डाटा है कि नहीं मालूम नहीं, डिमांड में सोमी बंद कर दिया बात अच्छा बात है, लेकिन डिमांड से अभी भी जो टिम्बर जा रहा है ऐसे कोई हाई आपको इनपुट नहीं, ऐसा कुछ हम लोग के पास थोड़ा थोड़ा इनपुट है, लेकिन हम लोग पकड़ भी उस दिन भी हम लोग 3 गाड़ी पकड़ा है, नहीं ऐसा बोलता है, लेकिन हम लोग ये इस पे कोई प्रूफ नहीं है कि हम लोग का पूरा ये दिमाग साहब का टिम्बर से लंबी का सोमी लंबा बम्बू ये लोग काट रहे हैं, वो लोग का खुद का USFNA से काट रहे हैं, वो लोग काउंसिल से CO का परमिशन लेके काट रहे हैं, रिजर्व से काट रहे हैं, रिजर्व से वो अभी एक दो स्ट्राइक केस भी हो सकता है, एक दो रिजर्व से चल रहे हैं तो ये भी हम लोग बंद करना पड़ेगा। हाँ, अगर हो ऐसा हुआ है तो हम लोग बंद करेगा, ठीक है। और चेन्सो के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैन पावर जैसा आप पहला जैसा ये मैन पावर हम लोग का है, मैन पावर का शॉर्टेज नहीं है हम लोग का। चैलेंजेस तो फील्ड लेवल में कुछ कुछ चैलेंजेस हो सकता है, वो हम लोग बात करके हम लोग देख लेंगे हम लोग ये बंद करने के लिए, ठीक है। नहीं हमें तो मैं तो नहीं नहीं ये रिगार्डिंग ये बम्बू आप लोग बोला है, सुनो सुनो नहीं करने के बाद नहीं, मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया है, ये बम्बू के बारे में आज का बात नहीं,
मैंने भी खुद नोटिस किया, मैंने डीएफओ को ऑलरेडी बोला है बंद करने के लिए, शायद वो अभी तक बंद नहीं हुआ लेकिन बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये मानते हैं आप लोग, आप लोग कहते हुए फॉरेस्ट का सामान, फॉरेस्ट प्रोडक्ट बहुत कुछ हो रहा है, इन्हीं के लिए हो रहा है, आप हो रहा है, आप एडमिट कर रहे नहीं हो? एडमिट तो थोड़ा है, चल रहा है तो एडमिट तो करना पड़ेगा। हाँ ठीक है।